वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा। काफ़ी कुछ दिनों से मैं लेट आया हूँ पर दुरुस्त आया हूँ। आज से रोज़ आप लोगों को 25 वर्ड्स बुक है रोज़ मिलेगा। ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसका नाम है इनहेंस योर वोकैबुलरी विथ फन। जानिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे 1000 वोकैब सिर्फ एक दिन में। चलिए तो आज का मेरा पहला सेट है, सेट वन, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ 25 वर्ड्स लर्न करेंगे पर डे। मैंने भी पढ़ा, बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है सावंत, सावंत, SAVANT। सावंत का मतलब होता है विद्वान या बुद्धिमान। तो देखिए इसका की वर्ड है जो सावंत, राखी सावंत क्या है, बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। तो इससे देखिए बन जा रहा है सावंत से विद्वान, SAVANT। ओके, तो फर्स्ट वर्ड हम लोग को लर्न हो जाएगा, राखी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। इसका सिनोनियम्स भी दिया है, से मास्टर एंटोनियो दिया है, ऑर्डिनरी और सिंपल। ओके, सेकेंड वर्ड है अपोगी, मतलब होता है शिखर। इसका की वर्ड अपोगी, देखिए अपोज से अपोज हो रहा है, अपोगी अपोज, यानी केजरीवाल ने जब मोदी का अपोज किया तब से वह क्या हो गए, शिखर पे पहुंच गए। समझ रहे हो ना बात को, जैसे केजरीवाल ने मोदी का विरोध किया या अपोज किया तो वो क्या हो गए, शिखर पे पहुंच गए। ओके, ये सेकेंड वर्ड हो गया। थर्ड वर्ड है रांची, मतलब होता है घटिया या अश्लील। इसका भी कीवर्ड बनाया है, रांची को रांची से मैच कर रहा है। रांची शहर में क्या होता है, घटिया एवं अश्लील लोग नहीं है या रहते हैं, कर लो। तो ये थर्ड वर्ड हो जाएगा, रांची मतलब घटिया या अश्लील। ओके, फोर्थ है काजोल, मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है, चापलूसी करना। तो हम लोग काजोल को देखो, काजोल हीरोइन से याद कर ले रहे हैं, काजोल हीरोइन की आप लोग क्या करते हो, चापलूसी करते हो। फ्लेटर हो जाएगा, ल्यूर हो जाएगा, एंटोनियम इसका हो जाएगा डिस्यूड और रिपेल, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है कोवनेंट, कोवनेंट का मतलब क्या होता है, समझौता या अनुबंध। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, COVENANT है, तो COV से कौवा और ANT से हो जाएगा आंट। तो क्या हो जाएगा, कौवा और आंट। तो इसका कीवर्ड है कौवा और चींटी के बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया। ओके गाइस, कौवा और चींटी के बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया। इसका सिनोनियम्स हो जाएगा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, एंटोनियम हो जाएगा रिफ्यूजल और डिसएग्रीमेंट। ओके गाइस, ये रहा सिक्स्थ वर्ड, देखते हैं कैप्रिशियस। ओके गाइस, सिक्स वर्ड है कैप्रिशियस, मतलब होते हैं बहुत जल्दी बदलने वाला। कैप का प्राइस, हम लोग कैप्रिशियस को याद करेंगे, कैप का प्राइस, जैसे कैप का प्राइस मार्केट में बहुत जल्दी बदल जाता है, क्या होता है, बहुत जल्दी बदल जाता है। ओके, कैप्रिशियस इसको याद कर। नेक्स्ट वर्ड है डेवियस, डेवियस का मतलब होता है घुमावदार या चालक। डेवियस को हम लोग लर्न करेंगे देवी से, किससे, देवी से, वैष्णो देवी से मिलने के लिए आपको क्या होता है, घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है, इसलिए डेवियस को हम लोग देवी से याद कर लेंगे। डेवियस यानी देवी, DEVI क्या हो जाएगा, देवी से, यानी वैष्णो देवी से मिलने के लिए आपको घुमावदार से रास्ते से होकर जाना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है पेंस्यू, पेंस्यू मतलब होता है विचार मग्न। क्या होता है, विचार मग्न, यानी पेंस्यू, जैसे ही हम लोग पेन लेके जैसे ही विचार करते हैं तो हमें किसकी याद आने लगती है, शिव की, यानी पेन लेके जैसे ही शिव जी बैठते हैं तो क्या हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं। पेंस्यू, पेंस्यू मतलब क्या होता है, विचार मग्न, पेन और शिव, पेन लेकर जैसे ही शिव जी बैठते हैं क्या हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं। पांडेमोनियम, पांडेमोनियम का अर्थ क्या होता है, कोलाहलपूर्ण वातावरण। जैसे पांडे, PANDE पांडे और मुनि, इसको मोनियम को मुनि से, पांडे और मुनि ओम का जाप करके कोलाहलपूर्ण वातावरण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पांडे और मुनि ओम का जाप करके कोलाहलपूर्ण वातावरण बना रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, यानी ट्रेन में कुली क्या है, ट्रैंक्विल से TRAN ट्रेन, QUL से कुली, यानी ट्रेन में कुली सबको क्या करा रहा है, शांत करा रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा टेंथ वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इलेवेंथ, इलेवेंथ क्या है, बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू, जैसे बिल्ली ग्लूकोज, इसको बनाएंगे बिल्ली ग्लूकोज, तो क्या हो जाएगा, बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो गई, झगड़ालू हो गई, क्या हो गई, झगड़ालू हो गई। तो याद कर लो, बेलिकोस से हो जाएगा झगड़ालू, यानी बिल्ली ग्लूकोज पी के झगड़ालू हो गई। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल, फ्रेल मतलब क्या होता है, कमजोर, कमजोर फ्रेल हो गया। तो इसको क्या करें, फ्री में रेल, फ्रेल को हम लोग लर्न करेंगे फ्री में रेल, फ्री में रेल यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ओके, इसलिए हम लोग फ्री में यात्रा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 13, नेव, नेव मतलब क्या होता है, सीधा या निष्कपट, निष्कपट। ओके,
तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? नाव, हमारे देश में नाव बनाने वाले कैसे होते हैं? सीधे एवं निष्पट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रंपी। ग्रंपी का मतलब होता है चिड़चिड़े या तुनक मिजाज। क्या होता है? चिड़चिड़े या तुनक मिजाज। ग्रंपी को हम लोग लर्न करेंगे ग्रंपी। देखिए मैं मैच खा रहा है ना, ग्रंपी 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 ग्रंपी, यानी क्या हो रहा है? गर्म चाय पीने वाले कैसे होते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। इसका की फैक्टर हो जाए एक्स्ट्रोटल। एक्सटॉल देखिए मैच खा रहे हैं, एक्स्ट्रोटल एक्सटॉल एक्स्ट्राटॉल। तो ये क्या होता है? एक्स्ट्राटॉल लोगों को सब लोग देख के क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। इसका सोनोनियम्स हो जाएगा अपलॉड और प्रेज। एंटोनियम हो जाएगा कंडेमन और डिनाउंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड है कैस्टिगेट है। क्या है? कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? डांटना या फटकारना। क्या होता है? डांटना या फटकारना। इसका की फैक्टर हो जाए कास्ट गेट। कास्ट की वजह से हम लोगों को क्या हुआ? गेट पे डांट फटकारा गया, डांटा और फटकारा गया। कैस्टिगेट को हम लोग लर्न करेंगे कास्ट और गेट। GATA से गेट हो जाएगा, CST से कास्ट, यानी कास्टिगेट। कास्ट की वजह से हम लोगों को क्या हुआ? गेट पे डांटा और फटकारा गया। नेक्स्ट वर्ड है बीमोन। बीमोन मतलब क्या होता है? शिकायत करना या बिलाप करना। तो विमन को कर लेंगे बेमन से। मैंने बेमन से क्या की? तुम्हारी शिकायत की। ओके, विमोन का मतलब हो जाएगा मैंने बेमन से तुम्हारी शिकायत की। नेक्स्ट जो वर्ड है बहुत ही अच्छा वर्ड है पापर। पापर मतलब क्या होता है? गरीब। इसको कैसे हम लोग लर्न करेंगे पापर को? पापड़ से। पापड़ खाने वाले लोग कैसे होते हैं? गरीब होते हैं, इसलिए पापर मतलब गरीब। फास्को मतलब होता है असफलता। क्या होता है? असफलता। यानी फास्को को लर्न करेंगे फीस को। फीस को समय पर नहीं देने पर जीवन में क्या मिलता है? असफलता हाथ लगती है। नेक्स्ट वर्ड है जो है बेनवोलेंट है। बेनवोलेंट मतलब होता है दयालु। इसको लर्न करेंगे वेनी। बेनी बाबा बहुत ही क्या है? दयालु हैं, काइंड हैं, अल्ट्रस्टिक हैं। एंटोनियम हो जाएगा स्पीडफुल और मेलेसियस। नेक्स्ट वर्ड है 21st डिफाइल। डिफाइल मतलब होता है दूषित करना। क्या करना? दूषित करना। यानी डिफाइल को हम लोग की फैक्टर बनाएंगे देश की फाइल। देश की फाइलों को नेता लोग क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबंडन। एबंडन मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। एबंडन को लर्न करेंगे अब बंधन। एबंडन अब बंधन। अब सारे बंधनों को क्या कर दो? त्याग कर दो और सन्यासी बन जाओ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वर्ड आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।